इनके आशीर्वाद से बहुत ही शुभ दिन और खुशी का समय हम सब के बीच में आया। जैसा कि सभी भाई सभी सज्जन जानते हैं कि हर साल दादी सती के नाम से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है पूरी नगरी के सहयोग से, और इस साल भी उसी परंपरा को कायम रखते हुए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, और साथ में ये सत्संग ये भजन वाणी आपके बीच में आपकी सत्ता के नाम से उनको जाना जाता है। और नारायणी धाम एक बहुत ही पवित्र धाम है, वहां पे दादी सती हुई थी और वहीं से उनकी ज्योत प्रज्वल करके और यहाँ पर उनकी ज्योति आई हुई है। तो जहां भी उस पर दादी सती को याद किया जाता है वो हमारे अंग संग रहती है। तो सबसे पहले एक दादी सती का भजन, और उस भजन में एक भगत ने प्रार्थना करी दादी सती के चरणों में कि दादी मैं भी तेरे चरणों में अपनी अरदास रखता हूं और मैं भी तेरे धाम पे आपकी बार जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि उसने सुन रखा था कि वह सच्ची श्रद्धा से सच्ची आत्मा से जो भी दादी सती के चरणों में जाता है, जो भी मन की मुराद है, कोई दुख तकलीफ है, सच्ची श्रद्धा से उसका नाम लेने से दादी सती उसके दुख दूर करती है, उनके दुखों का निवारण करती है। तो एक भजन के माध्यम से उस भगत ने क्या प्रार्थना करी और क्या बताया। आयुष नाम का एक छोटा बच्चा, वो बच्चा भी 21 रुपए दे गया था। दादी सती बच्चे की लंबी उम्र लगावे और वो बच्चा अपने जीवन में तरक्की करे, ऐसी हम दादी सती से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा है। आयुष छोटा बच्चा फिर आ गया, 21 रुपए और देते परमात्मा लंबी उम्र लगाओ बच्चे की, बार बार धन्यवाद कह रहे हैं। बहुत ही सम्मानित श्री गुलशन कुमार जी मेंबर दादी सती के इस भजन पे 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद कहना चाहता हूं। एक गोपदान से मेरे सज्जन है सम्मानित, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद कहना चाहता है, धन्यवाद। ये
बताया कि मैं जाऊंगा जित दादी सती का धाम से रोज तक जले मैं मोखरा काम से। पहली कली में क्या अरदास करता है, क्या प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना है? श्री दिलबाग सिंह जी दादी सती के इस भंडारे की खुशी में और इस भजन पर खुश हो गए, सौ पैसे मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद। सम्मानित सुरेश कुमार जी लालचंद, सौ पैसे मान सम्मान करते हैं, बार बार सम्मानित। तब जय नारायण जी, सौ रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद। क्या लिखा पहली कली में, क्या भाई दादी सती के दर पे जाके सम्मानित शेठ सत्यनारायण जी दादी सती के भंडारे की खुशी में और इस भजन में खुश होकर 251 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। शेठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद। क्या बात दो नंबर पे। भंडारे की खुशी में और इस भजन पर खुश होकर सौ पैसे मान सम्मान करते हैं। चांदियों का बहुत बहुत धन्यवाद कह जाता है। धन्यवाद। तीसरे नंबर पे दृढ़ विश्वास हो उस भगत के दादी सती के नाम का, अरदास लगाई तो सपने में दादी सती दिखाई थी और बुलावा दे दिया कि आ जा। मन में विचार किया, बताया
कि मैं सपने में भी दादी सती की खीर बनाया हूँ और जाऊंगा। क्या कहा तीसरे को? बहुत ही सम्मानित भाई दीपक फौजी दादी सती के भंडारे की खुशी में और इस भजन में खुश हो गए। 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं फौजी भाई का। बहुत बहुत धन्यवाद। सूतन के बेटे श्री राम कुमार जी दाती सती के भंडारे की खुशी में इस भजन पर खुश होकर 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य के बेटे लक्की दाती सती के भंडारे की खुशी में इस भजन पर खुश होकर 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। सरगांव से श्री राज सिंह जी दादी के भंडारे की खुशी में हर भजन पर खुश होकर 51 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। भाई बलवंत के बेटे रवि हमारे बेटे हैं भाई रवि 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद कहलाता है। धन्यवाद। क्या लिखा तीसरे नंबर पर? What?
ਸਾਡੀ ਸੱਡੀ।